बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बुसार ब्रेक्स के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएंगे कि आज हमने क्या काम किया। तो आज हम बारिशों की वजह से हमारे जो भट्टे के रास्ते ख़राब हो गए थे उनको ठीक करवा रहे हैं मशीन के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको आगे मज़ीद बताते हैं कि आज हमने क्या क्या काम किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बर मेहरबानी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद भट्टे के मुतालिक मालूमती वीडियोज़ मिलती रहें। अभी मशीन जरा से ठीक कर रही है जो ख़राब हो चुके हैं। इधर हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगाकर भट्टे का कचरा जो रेत का होता है वो भी फेंकेंगे। मशीन से रेत गीली हो चुकी है, वो कटी करवा रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से छन जाए। डैम्पर वाले ये रेत खराब फेंक गए हैं, इसको हम अभी कचरे में फेंक रहे हैं ट्रालियों के साथ। ये सारा रेत का कचरा पड़ा हुआ है, इसको भी हम ट्रालियों के साथ उठाकर बाहर फेंक देंगे ताकि मिट्टी हमारी ख़राब ना हो। बारिश की वजह से ये हमारे पेड़ ख़राब हो चुके थे, हमने इस कचरे को इधर डंप किया है और इसको ब्लेड मार कर सही हमवार कर देंगे ताकि पेड़ भी भर जाएं और ये कचरा भी टिकाने लग जाए। ये थोड़ी खाली जगह थी, हमने कहा इधर डंप कर देते हैं। इस बन्ने की मिट्टी बहुत कम हो चुकी है तो आज हम इधर ट्रालियों के ज़रिए मिट्टी भी थोड़ी फेंकेंगे। अभी हमारा कचरा ख़त्म हो चुका है और हम साफ मिट्टी उठाकर जो नाला आपको दिखाया था उसमें फेंकेंगे। ट्रैक्टर ये जगह अभी बना रहा है, इस नाले के साथ हम मिट्टी फेंकने जा रहे हैं। अभी हमारी जो साफ मिट्टी है वो ट्रालियाँ उठा रही हैं, मशीन लोड कर रही है और जो आपको वो जगह दिखाई थी उधर फेंक रहे हैं। तकरीबन अभी 3 बजे का टाइम हो चुका है, अभी साफ मिट्टी हम उठा रहे हैं। दो हमारे ट्रैक्टर ख़राब हो गए हैं इसलिए अभी हमने मिट्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और रास्ते ठीक करेंगे दोबारा से। इस डल्ले में हमने 25 से 30 ट्रालियाँ फेंक दी हैं, चलें अभी 2-3 हफ्ते के लिए गुजारा हो जाएगा।
ये वाला भी रास्ता बारिश की वजह से ख़राब हो गया है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारा रास्ता ख़राब हो चुका है बारिश। इसमें ना तो डंपर जा सकता है ना ट्रैक्टर ट्राली। अभी मैंने उधर मशीन लगाई है, इसको रास्ते को सारा ठीक करेंगे। आज ज़ाफ़रान को जुर्माना पड़ा है रोटी पहले खाने की वजह से, तो उसने हमें बोतल पिलाई है। अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और हम अपने आज के काम की तकमील की तरफ हैं। तो अगर आपको मज़ीद भट्टे के मुतलक वीडियोस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.busarbrakesfactory.com भी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज बुसार ब्रेक्स फैक्ट्री भी विज़िट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला इस तरह की डेली रूटीन की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको ये वीडियो इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगी। हमारे चैनल देखने का शुक्रिया। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।